देखिए सरकार का पूरा चरित्र, सरकार का जो पूरा रवैया है वो एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। यह जो एससी एसटी रिजर्वेशन के खिलाफ यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिस पे मोदी जी ने कह तो दिया कहने को कि जो है इसके हम इसके जो है पक्ष में नहीं है, कैबिनेट का भी आ गया, लेकिन वहीं आप देखिए दूसरी तरफ जैसे ही यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, तुरंत ही जो है हरियाणा जो है राज्य जो है उसको अनाउंस कर देता है कि हम वर्गीकरण करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इस सरकार का चाल चरित्र जो है दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। दूसरी जो बात है सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट इस तरह आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की जो प्रवृत्ति है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह बयान आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह दलितों आदिवासियों पिछड़ों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ताबड़तोड़ जो है कोई फैसला दे रहा है, कोई टिप्पणी कर दे रहा है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, कोई युद्ध चल रहा है, कोई जंग छेड़ दिया एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ। पहले आप आरक्षण में वर्गीकरण की बात करते थे और अभी वर्गीकरण के मामले पर हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं कि अब आप जो है कह रहे हैं जाति का जिक्र नहीं होगा तो जातिगत भेदभाव नहीं माना जाएगा, बिना जाति का गाली दिए किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, क्या वो जातिगत भेदभाव नहीं होगा कि ना बिना जाति का गाली दिए किसी को मूछ रखने से रोक दें, क्या वो जातिगत भेदभाव नहीं होगा? यह जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, हम लोग समझते हैं कि इन्होंने जो राजस्थान के हाई कोर्ट में जो इन्होंने लगा रखी है मनु महाराज की मूर्ति, यह सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिमाग में ये मनु महाराज चलते हैं और यह मनु स्मृति को संचालित करने वाले लोग हैं। इनका जो पूरा रवैया है सुप्रीम कोर्ट का, हर फैसला एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जाता है। हम लोग लगातार इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों का मानना है यह कि इस देश में कानून बनाने का काम संसद भवन का है। इस मामले में जिसको भी कानून बनाना है संसद भवन कानून बनाए। जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार की कैबिनेट का फैसला आया, कैबिनेट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन कानून संसद में बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 ब्राह्मण लिख के देश के हर चौथे भारतीय नागरिक की किस्मत तय नहीं करेगा। हम लोगों ने भारत रत्न, हम लोगों ने पिछले दिनों सफलतापूर्वक भारत बंद किया और भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है भाजपा की मिलीभगत से जो है दलित प्रदर्शनकारियों पर जो है लाठी चार्ज करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने बिहार में किया है। बिहार में आने वाला चुनाव है, हम लोग उसका जवाब, इस देश का दलित समाज इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और जदयू जैसे राजनीतिक दलों को चुनाव में देने वाले हैं। और जहां तक रहे कानूनी पहलू की बात, हम लोग इस पूरे मामले पर भारत बंद के बाद भी, सरकार के कैबिनेट के बाद भी हम लोगों को पता है सरकार की नीयत क्या है, हम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं उनकी नीयत क्या है, उनकी जनेऊ लीला हम समझते हैं। इसलिए हम लोग कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने वकील, हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं, आदरणीय एडवोकेट राजेश रंजन जी, हम लोग इस मामले में आज ही इस मामले में बिना देर किए रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग आज रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। इस लड़ाई को हर स्तर पे लड़ी जाएगी। हम कलम से लड़ेंगे, हम फावरे से लड़ेंगे, हम हिम्मत से लड़ेंगे, हम हौसले से लड़ेंगे, लेकिन यह जो दलितों को जो तोड़ने की साजिश यह सरकार और मनुवादी सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जनेऊ पालिका कर रही है, इस साजिश को हम किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। हम आज रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील भी कर देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग जुड़ते हैं। यह एक मुहिम है, यह आरक्षण बचाने की आखिरी लड़ाई है। याद रखिएगा, आज अगर आप चुप बैठ गए इस मसले में आरक्षण नहीं बचेगा, आपका बच्चा जो है ना किसी मॉल में भी नौकरी नहीं कर पाएगा। आपके पास कोई पूंजी नहीं है, आपके पास कोई जमीन नहीं है, ना आप नौकरी कर पाएंगे, ना किसानी कर पाएंगे, ना कोई व्यापार कर पाएंगे। इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी समाज कहीं का नहीं रहेगा। हमारे पास
कोई बैकग्राउंड नहीं है, यह आरक्षण बचाने की आखिरी लड़ाई है। मैं खुलेआम इस मैदान में आरक्षण बचाने की लड़ाई में मैं कूद चुका हूं। कोई भी साथी, पूरे देश के बहुजन साथियों से मैं अपील करता हूं, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, आदिवासी भाइयों से अपील करता हूं, आप भी अगर हमारी लड़ाई से जुड़ना चाहते हैं, कोई एक, ये डॉक्टर ओम सुधा की लड़ाई नहीं है, हमारा क्या है, मेरे ऊपर तो 26 मुकदमा हम लड़ लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। आपको सामने आना होगा, आपको कंधे से कंधे मिलाकर इस आरक्षण बचाने की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, वरना ये मनुवादी, वरना ये जितने भारतीय जनता पार्टी के जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कहीं नहीं टिकने देंगे, कहीं नहीं बैठने देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस देश के दलितों पिछड़ों के लिए करो या मरो का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं अपना मोबाइल नंबर बोल दे रहा हूँ, जो भी साथी इस आरक्षण बचाने की बाबा साहब की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे रिव्यू पिटीशन से जुड़ना चाहते हैं, मुझे सीधे फ़ोन करिए 8743915595। मेरा नंबर है, मैं नंबर इसलिए देता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहाँ कहीं भी साथी हमारे बिहार के किसी कोने में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, तमिलनाडु में, आप जहाँ कहीं भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आपको भी आना चाहिए, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है संविधान विरोधी है, आपको लगता है कि यह फैसला जो है इस देश के बहुजनों के खिलाफ है, आपको अगर यह लगता है, आपको भी इस लड़ाई का हिस्सा होना चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़िए, इसलिए हमने आपको नंबर दिया। आप कभी भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल करिए, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। यह अकेले, मैं इस लड़ाई को अकेले नहीं जीत सकता हूँ, मुझे बाबा साहब की एक औलाद जो भी जय भीम बोलता है, सबका साथ चाहिए, तभी हम इन आरक्षण विरोधियों को जो है घुटने पर ला देंगे, तभी जो बाबा साहब ने सपना देखा है, जो सपना देखा है इस देश में समतामूलक समाज बनाने का, वो सपना तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर लड़ेंगे। और ये संख्या का खेल कोई चुनावी खेल नहीं है, अगर आप 85% और 90% होने का दावा करते हैं, आइए लड़िए ना, देखते हैं इन मनुवादियों में कितना दम है, इन मनुवादियों को हम धूल चटा देंगे, बस समाज इस लड़ाई में आकर साथ खड़ा हो जाए। लेकिन 21 अगस्त को जो आपने भारत बंद किया था, उसके बाद से सरकार का कोई बयान ही नहीं आया इस मामले पर, लोग कुछ सुन ही नहीं रहे, उनकी कानों पर जूनी रहेंगे सरकार की पे। इस सरकार का जो रवैया है, इस सरकार के रवैये से हम सब वाकिफ हैं, यह सरकार मनुवादी है, यह सरकार मनुस्मृति को लागू करने वाली सरकार है, यह सरकार देखना नहीं चाहता है कि इस देश का जो दलित पिछड़ा है वो अच्छी जिंदगी जिए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी नौकरी करे, सरकारी नौकरियों में जाए, IAS IPS बने, इस सरकार को यह पसंद नहीं है, इसलिए सरकार इस मुद्दे पर चुप है। अब चुनाव आ गया ना, अभी उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में चुनाव है, इस हरियाणा का दलित समाज इस सरकार को बता देगा, भारतीय जनता पार्टी को बता देगा। आने वाले समय में इनको दिल्ली का भी उपचुनाव देखना है, आने वाले समय में बिहार और झारखंड में भी चुनाव है, हर जगह इस देश का दलित समाज इन मनुवादियों को, आरक्षण विरोधियों को, संविधान द्रोहियों को हम ईंट का जवाब वोट से देने का काम करेंगे। लेकिन दो फाट हो गए हैं दलित पूरे मामले में, समर्थन नहीं किया कुछ लोगों ने इस पूरे आंदोलन का। देखिए, इस पूरे मामले में जो भारतीय जनता पार्टी की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, RSS की जो साजिश है, वह साजिश थी समाज को चुत तोड़ने की। 2 अप्रैल 2018 को जब ऐतिहासिक भारत बंद हुआ, आज़ाद भारत में आज तक उस तरह का स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं हुआ था जो इस देश के SC ST OBC के लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को करने का काम किया। उस आंदोलन से सरकार घबरा गई, उस आंदोलन का असर था कि अयोध्या जैसी जगह पर जहां इन्होंने राम मंदिर बनाने का काम किया, वहां भी दलितों ने, अम्बेडकरवादियों ने इनको चुनाव हराया है। इस दलित एकता से वो घबराए हुए हैं, इसलिए इस दलित एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने इस तरह की साजिश की है कि दलितों को आपस में लड़ा दो, लेकिन उनके इस चाल को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। जो भी व्यक्ति आज RSS के पक्ष में चल रहा है, RSS के बहकावे में आ जा रहा है, एक न एक दिन हमारे साथ आना होगा। वो बहुत कहते हैं ना कि वाल्मीकियों के पक्ष में है, लेटरल एंट्री से 45 सीट निकाले हो ना, 45 वाल्मीकि बहाल करो, एक भी सुप्रीम कोर्ट में 3 ही जज है दलित जाति का,
तो दलित जाति का वैकेंसी निकालो और सिर्फ सबसे पहले जो है उसमें वाल्मीकि जाति के लोगों को भरो। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं सब जगह नौकरियों में सबसे पहले वाल्मीकि जाति के लोगों को भरना शुरू करो, तब समझ में आएगा कि यह जो इस देश की जो सरकार है कितनी वाल्मीकि परस्त है, वाल्मीकियों का कितना भला चाहती है। असल में ये सरकार इस देश के दलितों को नंगा, आदिवासियों को पिछड़ा रखना चाहती है और इस खेल को इस देश का SC ST OBC समाज समझ गया है। लेकिन वाल्मीकियों ने तो हमला कर दिया चंद्रशेखर पर, गाजियाबाद में काले झंडे लगाए। अब देखिए, नहीं नहीं, अब चंद्रशेखर भाई पर किसने, चंद्रशेखर भाई की नीयत पर किसी को कोई संदेह नहीं। अब किसने हमला किया, क्या करवाया, किसकी साजिश है, किसकी चाल है, कौन है जो दलितों की एकता से डरता है, कौन है जो इस सारे खेल के पीछे है, इस मामले में मेरी जहां तक जानकारी है इस मामले में एक FIR भी हुई है। जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, यह एक बड़ी साजिश है दलितों को तोड़ने की और हम लोग नजर रखे हुए हैं कि कौन हमारी एकता को तोड़ना चाहता है। जो चाहते थे वही हो गया है, हमला कर दिया चंद्रशेखर पर, कई लोगों को चोट लगी है, मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो गए मनुवादी? नहीं, मकसद में क्षणिक रूप से इनको दिखता है कि कामयाब हो गए, लेकिन आने वाले समय में इस चुनाव में हम इनको बताएंगे, वो क्षणिक रूप से इनको दिखेगा, लगेगा कि कामयाब हो गए, लेकिन उनको कामयाबी कहीं नहीं मिली है। लगभग पूरे देश में सफलतापूर्वक भारत बंद कराया गया है और जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो उसमें वाल्मीकि भी शामिल होता है, खटिक भी शामिल होता है, मेहतर और मुसहर भी शामिल होता है, डोम भी शामिल होता है। तो हमारी लड़ाई समग्रता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है बाबा साहब जो तमाम दलित जातियों को जो एक शेड्यूल में लेकर चले आए, तो हमारी लड़ाई जो है शेड्यूल कास्ट की लड़ाई है। लेकिन अब चंद्रशेखर ने 11 तारीख के लिए आर पार की कॉल दे दी है, दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा, भारत भीम आर्मी का आंदोलन होगा और भीम आर्मी लगातार संविधान विरोधियों को जो आरक्षण विरोधी हैं, लगातार भीम आर्मी उसके खिलाफ संघर्ष कर रही है और इस मामले में 21 तारीख को इस देश में ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली में होगा चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में। 11 सितंबर को, हाँ 11 को इस दिल्ली में चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में ऐतिहासिक आंदोलन होगा। तो क्या सफलता मिलेगी? हम सफल होंगे, इस देश में हम लोगों को ऐसे ही कुछ थोड़े मिलती है, सफलता कोई प्लेट में परोस के मिलता है क्या? हम लोग तो पानी भी लड़के पीने के लिए मिला है, कलम लड़के मिला है पढ़ने के लिए, तो आंदोलन के बिना कोई हम लोगों को हक अधिकार भीख में दे देगा, IAS अधिकारी हमको कोई भीख में बना देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दलित समाज को लड़ना पड़ा है, हम लड़े थे, हम लड़े हैं और जीतने तक लड़ेंगे। लेकिन वाल्मीकि, मूसर, बुनकर, मोची वो भी तो कह रहे हैं कि हमें भी अपने बच्चों के लिए अधिकार चाहिए, वो भी आपके सामने खड़े हो गए आकर के। नहीं, सामने नहीं खड़े हैं, तमाम दलित जातियां हमारे साथ खड़ी है, हमने किसी एक जाति का नाम लेकर नहीं कहा। बहुत लोगों को पता भी नहीं है मैं किस जाति में पैदा हुआ, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अनुसूची में आता हूँ, अनुसूचित जाति का, मैं तमाम जातियों की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जातियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ये तो RSS की भाषा है, हम तो अनुसूची की बात करते हैं, हम तो बाबा साहब की बात करते हैं, जो बाबा साहब ने अनुसूची में जिन जातियों को डाला उन जातियों के हक अधिकार की हमारी लड़ाई है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और आज रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा।